ये साधु कृत्य कहने के ये तात्पर्य है किसके बारे में? साधु कृत्य हम मान जा तो कि जो साधु मान जा तो कृत्य नहीं कर रहा है, साधु व्यवहार किसका? अच्छा इसमें लगाना क्योंकि आप लोगों ने केवल मेरे लिए ही संसार धर्म आदि परित्याग करके इनमें साधु कृतम, साधु कृतम क्या भजन किया केवल और वर्णाश्रम धर्म ठीक पालन कर रहे हैं, उसे फल कुछ नहीं हो रहा। वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे शस्य कर्म करते सही रोहु आश्रम धर्म में रहे, किंतु यदि भगवान में समर्पित नहीं हो रहा है, भगवान के भजन नहीं कर रहे हैं उसे फल कुछ नहीं है। इसे कहते हैं उसके मृत्यु के बाद क्या होता है? ना पुलिस मृत्यु के पश्चात उसे कहते हैं उसको भी नरक में जाना पड़ता है। कृष्ण भजन नहीं करता है, नरक में जाना पड़ता है। नरक माने नरक में, किंतु जो कृष्ण भजन करते हैं उसके नरक में जाना नहीं है, माने जमलोक पे जाना नहीं है। इसलिए इस श्लोक में जो भगवान जो कह रहे हैं है, विशेष करके राधा आदि गोपियों के लक्ष्य करके स्वयं भगवान कह रहे हैं ये न पारहं निर्बद्धं संयुजं ससाधुकृत्त ससाधुकृत्त। आप लोग जो साधु जो व्यवहार है, साधु व्यवहार क्या है ना, आप लोग सब कुछ छोड़ करके संसार धर्म आदि त्याग दे करके मेरे पास आए, क्योंकि भगवान के पास जाना ये सबसे बड़ी बात है। संसार के लोग देव देवी के पास चले जाते हैं, इसके धन के कष्ट होता है, वो धन के प्राप्ति करने के लिए और देव देवी के पास चले जाते हैं, वो साधु कृत्य नहीं कर रहे हैं, किंतु कोई भगवान के पास जा रहे हैं ये साधु कृत्य है। इसलिए गोपियों की जो आने की जो कह रहे हैं साधु कृत्य क्या है ना, भगवान के पास आ रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं इसमें सौ साधु कृत्य, साधु माने आपकी जो अत्यंत जो मंगलदायक जो कार्य है ये साधु कृत्य है, साधु कृत्य। दूसरी कर्ता कहते उसके उल्ट थोड़ा वैध स्थिति में कहा जाता है ये ससाधु कृत्यम कृष्ण मानो, एक कृष्ण कह रहे हैं हाँ कृष्ण मानो ये कह रहे हैं ये आप लोग के ऋण तो मैं चुका नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप लोग अपने अपने गृह धर्म आदि त्याग दे करके और मेरे पास आए ब्रह्मा के भांति दीन प्राप्ति करके माने आयु प्राप्ति करके यदि आप लोग मैं सेवा करूं तथापि मैं ऋण से मुक्त नहीं हो सकते है? तो मुक्त कैसे होगा है? किसी प्रेम ऐसे एक वस्तु होता है, प्रेम प्रेमिका किसी के ऋण में बद्ध नहीं रहता है, ऋण में वो बंधे नहीं रहता। इस संसार में आपने किसी से पैसा लिया, ऋण नहीं चुकाया, वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आपको उसको देना पड़ेगा, कुत्ते होकर के भी देना पड़ेगा, वफादार होना पड़ेगा ना, है पति पत्नी चले जाएंगे सिनेमा में और कुत्ते को कहाँ रख देंगे, घर में रहेंगे, घर में क्या करेगा वो रखवाली करेगा है। पर ठीक उसी प्रकार जो है ये भगवान ये कह रहे हैं ये आपके तो मैं ऋणी बन गया आपके से, तो गोपियाँ यही कह रहे हैं ये प्रेम प्रेमिका जो होते हैं एक दूसरे के वास्तव ऋण के द्वारा कोई आबद्ध नहीं होते। यदि प्रेम के द्वारा आबद्ध क्या बोले ऋण के द्वारा आबद्ध हो गया, आबद्ध समझते हो बंध गया, अरे इतना ही बांग्ला हिंदी समझते नहीं सुना ही ना ये बात बोलो उधर जो आवाज आ करके आपको ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा, सुनाई पड़ रहे
ऋण से कोई बंध जाए और उससे प्रेम हो तो वो नहीं होता। जैसे हम किसी को पैसा दिया, पैसा के लालसा से मेरा सेवा कर रहे हैं, आज वो सेवा नहीं हो रहा है। आजकल ये देखा जाए मठ मंदिर में वो क्या बोले, पैसा दे करके पुजारी रखा जाता है, किंतु वो सेवा नहीं होता है, उसको सेवा नहीं कहा जाता है। सेवा होता है सतस्फूर्त रूप में, संबंध से ही सेवा होता है, नौकर के द्वारा सेवा नहीं होता। तो उससे ये कह रहे हैं कृष्ण, फिर कह रहे हैं इस अर्थ में कह रहे हैं ससाधुकृत्व, ये मैं ऋण से कैसे मुक्त हूँ, गोपियों के ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि ये आप लोग समझ, प्रेम कोई हेतु के द्वारा नहीं होता है, हेतु समझते कि कौज से नहीं होता, क्यों कौज चले जाएगा, कारण चले जाता है प्रेम भी चला जाएगा। आप एक नौकर के पैसा दे रहे हो, वो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पैसा देना बंद कर दो चला जाएगा। पत्नी पति की सेवा कर रहे हैं, पत्नी कितना पैसा देते हैं, नहीं देते, वो जाकर भी नहीं जा सकती महाराज जी, देते नहीं, क्यों, उसमें संबंध दिखा रहे हैं, पति पत्नी के जो वैवाहिक संबंध आदि के द्वारा एक संसार धर्म पालन की विधि दिखाए। किंतु गोपियों के साथ कृष्ण के क्या संबंध है, वैवाहिक संबंध है कि नहीं है, मैरिज सेरेमनी है क्या, नहीं दिखाए है। तो कृष्ण ये करे है, ये तो तुम्हारे ऋण से मुक्त में कैसे हो, वैवाहिक संबंध में समझ में आ रहा है, मैरिज सेरेमनी तथापि कहीं नहीं चाहवत रहता है, चाहवत कुछ मांगना, कोई इच्छा रहती है, क्या चाह रहे थे, कहीं भी कहीं पुत्र वासना धन वासना है, ये सब रहता है, पति के क्या बोले, पति के धन चाहिए, पति के सिंह प्रीति चाहते हैं, ये भी तो चाहते कि नहीं चाहते हैं, विवाह किस लिए करते हैं, कहीं ना कहीं कामना वासना छिपे रहते हैं, हैं कामना वासना कहीं नहीं छिपा रहता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, बिना कामना वासना से विवाह नहीं हो सकता है। वैवाहिक धर्म जो है मैरिज से मैरिज काम कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं हेतु रह रहे हैं, यदि पति अच्छा कमाने वाला नहीं हो, यदि पति कर्कश भाषी समझते हो, ये भागवत में आ रहे ना है, रूढ़ भाषा बोलने वाला है, पति यदि तबीयत ठीक नहीं है, तो ये सब लक्षण देकर के पत्नी के मन में क्या हो जाता है, क्या होता है, ये पति ठीक नहीं है, पति को छोड़ सकते हैं वो है, पति को वो छोड़ सकता है, भावना रहता है, छोड़ते नहीं है किंतु मन मन भावना रहता है उसमें कहीं, हाँ समझ, वो ऊपर से एक बोलते हैं किंतु वास्तव मन में एक भावना रहा जाता है। अरे उसका उदाहरण तो द्रौपदी के लिए भी करे, एक आम्र कानन की कथा है ना, एक आम लगा और द्रौपदी जाकर उसको आम को तोड़ ले, इतने समय आकाशवाणी हुई द्रौपदी अभी वो ऋषि आने वाले हैं, तुम्हें अभिशाप दे देंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगा। जब जो ये लोग जब अज्ञात के बोले अज्ञातवास, हाँ उसमें जब रहने लगे, अज्ञातवास उसमें जब रहने लगे, क्या बोले, 12 साल जो वनवास में रहे, एक साल तो अज्ञातवास चुप करके रहा, तो उस समय जो ये एकाम्र कानन में था उन्होंने जगन्नाथपुरी के पास, उस समय जो है द्रौपदी डर गई, अब क्या की है, इतने में युधिष्ठिर महाराज बोले अच्छा कृष्ण के बुलाया, कृष्ण बोले देखो द्रौपदी ये आम जो है लग जाएगा सखा में, अब बताओ अपने मन की खुल की बात बताओ, कहीं छुपाओ मत, महावत में पढ़ना, तो करते 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 द्रौपदी सारे जात बोलते, बोले हमारे मन में ऐसे था, अर्जुन तो है ही हमारे पास, पांचों पांडव तो है,
यदि कर्ण होता तो अच्छा ही रहता, बोले वृंदावन बिहारी। प्रीति नहीं है इसके, सौर्य वीर्य देख करके मन में भावना जगते हैं। पाप के नहीं मैं कर रहा हूँ, भावना तो आ रहे है ना, कामना तो बात आ रहे है, कामना वसन से मुक्त हो जाए तो ये भी तो कामना, ये क्या होता है, कॉज बनता है कि नहीं बनता है, ये तो कॉज बन जाता है, कारण बनता है, है? एक भावना तो आई गई ना कि आई, फिर भावना कारण बन जाएगी, कारण बन जाता है, है? इच्छा बन जाता है, है? किंतु गोपियों में क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, कृष्ण छोड़कर अधिक तो उनके मन में किसी प्रकार जो है किसी पुरुष के प्रति आकृष्ट न हुआ और ना कुछ है। अरे अन्य का कथा, दूसरे की क्या क्या बोले, वही स्वयं नारायण के रूप में जब आए, पेठे गांव की कथा, सब गोपियां प्रणाम करके चली गई, ये तो हमारे इष्ट देव नहीं है, नारायण हमें वर प्रदान करें, हमारे प्राण प्रिय गोविंद से मिला दो। देखो कितने बड़ी बात है, और इतने समय राधा जी आने लगी, राधा जी के अंग गंध में कृष्ण, वही कृष्ण जो है चार भुजा को रख नहीं, तो दो भुजा पेड़ में समाई दो, समझ गए बैठा कहा जाता है, तो गोपी में कितना ऐकांतिक ही कृष्ण प्रति निष्ठा दिखा रहे है। तो यहाँ पर जो समझे नौपारहंग निर्वधम संयम साधुकृत, अभी जो शब्द आ रहे हैं साधुकृत, जो शब्द हो रहे हैं साधुकृत के जो कह रहे हैं, जो ये आप लोग जो साधु कृत्य होता मैं तो ऋणी हो गया, तो ऋण से मुक्त कैसे हो गए आप बताओ, क्यों जब तक हम किसी के ऋण से ऋण में रहे उसको ऋण चुकाना पड़ता है, किसी न किसी प्रकार से आना पड़ेगा तुम्हें, वो पति रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटा के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, वो आकर के ऋण चुकाना है। अभी हम लोग सब ये बोला कहीं नहीं, क्या बोला ये ऋण से है कहीं नहीं कहीं, जिसको आपके पता नहीं है, है कहीं कहीं है, उसके खिलाना पिलाना, उसके पायखाना साफ करना, उसके ये करना वो करना क्यों करते हैं, ना था उस बात चली गई कि नहीं चली, हमें सब पता है कि नहीं है? वो उसी प्रकार सेवा लेने के लिए आ गया और उसकी सेवा देना पड़ता है, है? सेवा ले दीजिए तो उसमें ये जो हेतु रहता है, प्रेम क्या बोल रहे हैं, प्रेम की परिभाषा क्या बोल रहे हैं आप, सूक्ष्मादिश में विचार करो, प्रेम की परिभाषा क्या है, जहाँ पर किसी पर का कारण नहीं हो, अहेतु की होनी चाहिए, कोई हेतु नहीं, हेतु रहे तो वो प्रेम निकृष्ट जातीय प्रेम होता है, प्रेम तो है किंतु वो निकृष्ट जातीय प्रेम है, निकृष्ट समझते हो, उत्कृष्ट जो प्रेम जो है जिसमें किसी प्रकार तो गोपियां कृष्ण के सेवा की क्या कारण था बताओ, गोपियों कृष्ण के क्यों सेवा की, कृष्ण गोपियों के क्या सेवा किया बताओ, कुछ नहीं किया, वही तो गोपियां गोपियों की कहती है, हैं उलाहना देते कभी तुम्हें कपड़ा दिया, कृष्ण गोपियों के कपड़ा दिया है, कपड़ा चुराया है, ऐसा लिया कि नहीं लिया, कृष्ण कहाँ से बताओ कृष्ण गोपियों के कोई कपड़ा दिया, तो इस संसार में सखिया में लेना देना होता है, मोदी जी ने अच्छा कपड़ा नहीं दिया, अच्छा नहीं दिया कहीं ना कहीं उसका आ जाएगा मन, गोपियाँ ने कृष्ण क्या बोले, कृष्ण गोपियों के क्या चीज दिया ये मत बताओ, कोई कुछ दिया आप, क्यों उनके साथ केवल प्रेमी समंदर दिखा, माता पिता एक माँ बेटा की सेवा करती है, किसे सेवा करती है, संबंध है, मेरा पुत्र है,
संबंध है, है? आप अपने बेटे की सेवा करते हो कि नहीं सेवा करते? क्यों सेवा करते हो? ये मेरा बेटा है, दूसरे बेटे की सेवा करो? नहीं करो। थोड़ा वो है तो बचा तो थोड़ा दे देते, दे सकते हो आप यदि बचा तो। प्रायोरिटी किस में रहता है? मेरे पास मेरा पुत्र संबंध है। गोपियों के साथ कृष्ण, कृष्ण के साथ क्या संबंध है बताओ? है गोपियां भी वो ही कहते हैं। अच्छा प्रेम भी यदि कहो अभी अगर प्रेम एक सेंटीमेंट क्या बोले भाव मात्र इमोशनल है, है? भाव उसका आप तुम्हारे हमारे साथ तुम्हारे प्रेम है, फिर काल कहेंगे तुम्हारे साथ हमारे पर प्रेम नहीं है, हम तुम्हें जानते ही नहीं। जहाँ पर सार्थक सेल्फिशनेस आ जाता है वहाँ पर प्रेम नहीं था। कई संबंध से सेवा कर रहे हैं, नंद जसोदा कृष्ण के कैसे सेवा कर रहे हैं? संबंध आत्मिका हो रहा है, इसलिए संबंध आत्मिका कार्य है। एक होता है संबंध आत्मिका और गोपियों की सेवा कैसे हो रही न प्रेमात्मिका कामात्मिका हो, उसमें यदि कहो संबंध ये भी तो संबंध है, प्रेम एक संबंध है यदि कहा जाए तो। इसके निरसन करते हुए कहते हैं प्रेम संबंध सेवा पहले आ जाता है, सेवा प्रधान होता है, संबंध बाद में आता है। और संबंध आत्मिका में संबंध पहले आ जाता है, सेवा गौण हो जाता है। समझ में आ रहे कुछ? इसके कितने बार तो मैंने कहा इसमें कामात्मिका भक्ति के इस फिर दोबारा दो भाग करके दिखा रहे हैं, एक तत्त्व भविष्यात्मिका और एक संभोग इच्छा में है। जैसे ललिता विशाखा आदि ये लोग कृष्ण के साथ संभोग इच्छा में का अतः स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलते हैं, किंतु जो मंजरियां जो है यह तत्त भविष्य कृष्ण के साथ संबंध कोई स्वतंत्र रूप में मिलना तो बहुत दूर की बात है। कृष्ण मिलने के लिए भी प्रयास नहीं करे तो ये समस्त मंजरियां मिलती रहे, इसलिए इनको क्या तत्त भाव इच्छा मई अर्थात कृष्ण राधे के साथ मिलने जो क्रिया आदि होती है और वो क्रिया मंजरियों में अपने आप प्रतिफलित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है, इसलिए इसकी वजह तत्त भाव इच्छा है ये दिखा। अभी हम जो कहते हैं स्वसाधु कृत्य उसी के ऊपर टीका में आ जाए तो इस स्वसाधु कृत्य जो आप लोग साधु कृत्य इस समय ऋण से हम कैसे मुक्त हो जाए? अभी कृष्ण के हमको क्या करना है? गोपियों के ऋण से मुक्त करना, इसको आपसे समझ में आ रहे हैं? गोपियों की कृष्ण के गोपियों के कर्तव्य क्या है? कृष्ण के ऋण से मुक्त कराना और कुछ नहीं, क्योंकि मुक्त यदि नहीं हो रहा प्रेम स्वच्छंद नहीं होता, प्रेम होता है स्वच्छंद रूप में होता है। जैसे एक पक्षी जो है बर्ड अनंत आकाश में स्वच्छंद रूप में विचरण करते रहते हैं, जिस पक्षी के जितना ही उनकी पंख में जितना शक्ति है उस शक्ति के अनुसार वो अनंत आकाश में वो उड़ते रहते हैं। बोले प्रेम उसी प्रकार ही है, प्रेमिक प्रेमिका जो है उसी प्रकार कहा गया। प्रेम संपूर्ण में इसको भी वर्णन कर रहे हैं, प्रेमिक प्रेमिका कैसे रहते हैं? स्वच्छंद मुक्त हो कंप्लीटली बाउंड्रेस, कोई बाउंड नहीं रहता, इसी प्रकार आबद्ध नहीं रहता है। एक पक्षी भी मानो केज में उड़ सकते हैं जितना बड़ा हो वो उतना तो उसके जिसमें लिमिट है, किंतु वही पक्षी के यदि मानी केज से खाचा क्या बोले केज से यदि पिंजरे से यदि उसको मुक्त कर दिया जाए वो अपने पंख फैला करके अपने इच्छा के अनुसार और उन्मुक्त आकाश में वो प्रेम उसी प्रकार की कहा जाए। कृष्ण कह रहे हैं
अर्थात मेरे प्रति जो आप लोग जैसे साधु व्यवहार किए, कृष्ण के ऋण से मुक्त कराओ। लेकिन वो तो खुद ऋणी मानते हैं, गोपियां तो नहीं कह रहे, तो मतलब कृष्ण जो कहे नहीं कहे, आप जिसको सेवा करें उसके ऋण बंद हो ही जाता है, चाहे वो प्रेमी क्यों ना हो, प्रेम से बद्ध हो जाता है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। हाँ मैं हमें खिलाया है, अच्छा सच बता दूँ, हमें अभी खिला मन की भावना रखता है, हमें भी थोड़ा खिला भावना तो रहा था, कहीं नहीं कहीं तुम्हारे हृदय में नहीं बोलने पर भी मन की कहीं ना कहीं भावना रह जाता है। आप बोलने एक है, कहीं के हृदय में रहता है, है? हमें दिया ददाती इसलिए प्रतिगिन्नाती होता ही है, नहीं तो प्रेम टिकता ही नहीं है। क्या बोला, ददाती इसलिए तो कह रहे हैं, हम किससे यदि कुछ लिया उसे कुछ देना पड़ता है, है? प्रेम में एक वस्तु होता है वो देते हैं, लेना नहीं चाहते। क्या बोले, प्रेम देते हैं लाओ, किंतु तथापि दूसरे के क्या होता है, उनके कहीं नहीं कहीं भावना रहता है, है? वो रहता है, जहाँ पर ऐसी रहता है वो प्रेम में अभी मुक्त कैसे हो जाए, वो कहीं ना कहीं किसी भी नहीं किसी प्रकार से मान में हो, दुख में हो, विरह में हो, वो प्रकाश हो जाता है, नहीं होता है, है? हृदय के भाव कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वो मैनिफेस्ट होगा, वो है कि नहीं। अभी हम यदि इस विचार में जाए, कृष्ण के अभी क्या करें, ऋण से मुक्त कराना है, कृष्ण कह रहे हैं मैं तुम्हारी ऋणी होगी, और ऋणी यदि वो हो जाए तो प्रेम नहीं होता, प्रेम उसमें जो है वास्तव शुद्ध प्रेम प्रकाशित नहीं हो सकता है। तो अब आप क्या करो, तो सेवा बंद कर दो, ऐसे तो नहीं कर सकते आप, सेवा जारी रहेगा, और जितने सेवा जारी रहेगा उतना ही उसको ऋण होते जाए, इसमें ठीक है तो बोल रहे हैं, तो उसमें एक सुंदर व्याख्या दे रहा है, स्वसाधु कृत, मानो कृष्ण कह रहे हैं स्वसाधु मैं ही साधु बन जाता हूँ, है? अर्थात कृष्ण साधु बन करके जब वही गोपियों की सेवा करे तो ऋण से मुक्त हो जाए, बोले वृंदावन बिहार, तो कृष्ण क्या बने, महापुरुष के बन रहे ना, सेवा किसको हो रहे, गोपियों की सेवा है, गोपियों की जो है, महाप्रभु क्या प्रचार कर रहे हैं इसके बारे में बोल रहे हैं, इतने से यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो यमुन धरी तम्बे राधार महिमा जगते, तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण अभी प्रचार किसको कर रहे हैं, राधे कर के गोपियों की तो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो केमन धरी ताम राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत है। इस जगत में राधा जी की प्रेम की महिमा कौन हमें सुनाया, गोपियां थोड़ी अपने आप कहेंगे, है? आप थोड़ी कहोगे मैं इतनी बड़ी भागवत हूँ, हम एक छुपते हैं और एक छपाते हैं, भक्त छुपते हैं और भगवान छपाते हैं, और भगवान छुपते हैं भगवान ए भक्त छपाते हैं, एक दूसरे की महिमा प्रकाश करते हैं, है कि नहीं है? आज दूर तक नहीं जा सकते, उसी के लिए ये कह रहे हैं न
पारहम निर्वद्धम। तो कृष्णा गोपियों के ऋण से कैसे मुक्त होगा? वही कृष्ण यदि साधु वेश धारण करे, ये साधु वेश धारण अर्थात वही कृष्ण गौरांग के रूप में और गौरांग के रूप में आकर के इसको ही जगत में प्रचार करते हैं। राधा जी के प्रेम महिमा इसे तो लिख रहे ना, यदि गौरांग नहीं तो तभी की हुई तो केवन है धरिता राधा रो महिमा प्रेम रस सीमा। राधा जी की महिमा प्रेम रस सीमा, प्रेम रस की सीमा जो है लास्ट लिमिट और डिवाइन लाभ और श्रीमती राधा। राधा जी की जो प्रेम रस की सीमा कहाँ पर है? मदनाख महाभाव की जो सर्वोत्तम जो भाव वो जगत में महाप्रभु है, जगत जीव के सिखाए और वही महाभाव की एक किरण कण मानो फिटे फूटे जो है जीवों के क्या करें वितरित करें है। एक वो आप अच्छा बता रहे हैं, वो अच्युताल भट्ट भी यही बता देते और क्या बोलते थे, ये एक बूंद खीर पड़ी है चिट्टियाँ कितना लग जाता है, हजारों लग जाता है और तब भी खा पी करके उसके भी बच जाना है, वो खत्म नहीं करता है। एक बूंद खीर नीचे गिर जाता है और उसको खाने के लिए कितना चिट्टियाँ, हजारों चिट्टियाँ वो भी खा पी करके भी कर। तात्पर्य क्या है, ये राधा जी के जो प्रेम के लिए महिमा जो है संग चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण है वो संग आस्वादन कर रहे और आस्वादन करके इसके छूट मैंने क्या बोले वन ड्रॉप उसके एक छोटा फोटा जो है जीवों के दे रहे हैं, सारे चिट्टियाँ जो खा रहे वो भी खा नहीं पा रहे हैं। वो कौन बोल रहा थे, ये अच्युत भट्ट हर साल बोलते रहते हैं है, अच्युतलाल भट्ट हर रोज यही शब्द को बोलते रहते हैं, एक शेर बन जाता है एक सवा शेर बन जाता है ये शब्द भी आते देखना उठ आज आएगा आ जाएगी आज नहीं खा रहे, एक शेर बनता है और एक सवा शेर बन जाता है सवा शेर। कृष्ण यदि शेर बने राधा जी क्या बन जाते हैं वो ये सब बता रहे, बोले युद्ध करना है क्या बोले वो कसरत करना है ना है, बोले सबको तुम हरा दिया कृष्ण दी गांकते हैं मैं सबको हरा दिया तो सखियाँ कहते हैं हमारे ईश्वरी के साथ हराओ उसी के इसी दंगल करो है। और स्वयं कृष्ण क्या बोलता है पछाड़ माने क्या बोलते हैं हार जाते हैं राधा जी उसको पछाड़ते कृष्ण शेर बनते हैं और राधा जी क्या बन जाते हैं। तो हम कहने की यही तात्पर्य कह रहे हैं कि ससाधु कृतम विविधाऊ साफी विविधाऊ मैंने ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करते है। यदि गोपियों की कृष्ण सेवा कर राधा जी के चरण सेवा करे है तथापि वो ऋण से मुक्त नहीं है। इस ससाधु कृतम विविध हिसाब की जा माँ दुर्जरण गृह श्रृंखला संवृष्ट प्रतिजातु आप लोग जो प्रतिजातु जो साधना ये भावना जो है इतना निर्मल है जिससे अपने कोई चाहवत नहीं है, हिंदी समझ रहे उनकी किसी प्रकार कोई इच्छा नहीं है, वो भी कुछ चाहती है कुछ नहीं है, है? तो कृष्ण यही तो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं गोपी में, ये आप लोग की महानता क्या है। हम एक किताब एक पैसा चढ़ाते हैं सबको दिखाते हैं मेरे नाम हो जाए कहते हैं है? दिखा दें बोलो है तो किंतु गोपियों की जो प्रेम की वजह कुछ नहीं पता है।
इसलिए कह रहे हैं नौ पारायण निर्वतम संकीर्ण ससाधु कृत विवधु साप जामा दुर्जर गृह श्रृंखला जामा दुर्जर गृह श्रृंखला गृह श्रृंखल श्रृंखल के जो है श्रृंखल समझते हो जंजीर जो है गृह रूपी जंजीर में बस श्रृंखल में हम सब बंधे हुए वो क्या है कहीं मर्यादा थे हम बंधे हुए मर्यादा है नहीं मैं फलाना व्यक्ति के पत्नी हूँ है वो क्या हुआ मर्यादा रहा था पांडव गोपियों ने क्या गोपियों ये नहीं सोचते हैं जहाँ विवाहिता की अविवाहिता है गोपियों भी कई प्रकार की गोपियाँ थी 360 प्रकार के नायिका जी गोपियाँ जो बता रहे हैं उसमें 360 प्रकार की गोपियाँ जो है उसमें तो एक भी कन्ना का भी तो है कन्ना का नाम सुना कन्ना का किसको कहा जाता जिसके विवाह शादी नहीं हुआ है क्या बोले कुंवारी कुंवारी कन्नका अभी शादी नहीं हुआ शादी हो गया तेरा कन्नका हो गया बहुत सारे है जिस लड़कियों की शादी नहीं हुई है उसको क्या कहा जाता है कन्या हाँ एक प्रकार वाला है तो ये लोगों तो कृष्ण के प्रति कैसे रखा अब अरे आइए आइए बैठ दो शब्द बता दो है कृष्ण के प्रति कैसे प्रगाढ़ भाव रखा इनके प्रति भी इनको तो विवाह नहीं हुआ किंतु मनी मन ये सब कृष्ण की ही प्राण प्रियत रूप में ही भावना मुद्दा मुग्धा प्रगल्भा धीरा 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 मद्धा और ये समस्त विचार 360 प्रकार कैसे बने हैं इसको आप लोग थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ज्ञान होना तो आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे हैं आज तो हैं आज ये जो समस्त जो गोपियाँ जो दिखा रहे हैं तो इसमें विशेष करके ये जो क्या बोले कन्ना का जो है अरे पहले तो शौकीय हो गया कृष्ण के प्रति ब्रज में कोई शौकीय नहीं होता है किंतु वो शौकीय इसलिए कहते हैं जिस समस्त गोपियाँ कृष्ण के साथ खेलकूद करते करते अपने माला बदल क्या बोले माला अर्पण किया है बोलो है क्या गंधर्वी भाग की तरह जो माला आदान वो जो माला आदान किया उसके लिए सख्य भाग है और क्या बोले सख्य होता है ये पर किया हो गया पर के विवाहिता है दूसरी पुरुष के प्रति विवाह तो रखा किंतु कृष्ण के प्रति प्राण प्रियतम में रखा किंतु उसमें एक वैशिष्ट है वास्तव रूप में गोपियों की कृष्ण कोई गोपों के साथ विवाह नहीं हो योग माया केवल इस परकीय भाव बिना रास नहीं होगी रास में विशेष वैशिष्ट क्या दिखाएगा आज जितने हम लोग बोले क्या बोला उसने परकीयत्व तो जरूरत परकीयत्व तो बिना रास नहीं होगा वैकुंठ अयोध्या द्वारका मुतर सब में क्या है सख्यत्व भाव पति पत्नी भाव है विवाहिता है किंतु ब्रज में परकीयत्व भाव इसलिए वैकुंठाद्य नहीं जैसव रस जैसर लीलार विचार से ही सब लीला करीब लोके जाते भाई चमत्कार वैकुंठ आदि में ये सब नहीं है किंतु गौरव वृंदावन में इसलिए वृंदावन में ये परकीयत्व भाव दिखाया और परकृत्य भाव होने से रास लीला होती है द्वारका में कितनी महिषियाँ थी 16,100 रास क्यों नहीं किया वहीं प्रास कर लेते हैं अरे बंसी बजाओ सारे गोपियाँ ये सारे महिषियाँ जो है बंसी धनी छोड़ करके दौड़ जाए अरे नहीं है नहीं हो सकता
माधव में पता नहीं ललित माधव में इसका वर्णन दिया हुआ है। इसमें ये दिखा रहे हैं गोपियों में ये जो क्या बोले परचत्त में जो है एक परदार्थ अभिमान रहता है, परदार्थ अभिमान वो एक केवल अभिमान कर देते हैं ये मैं फलाना व्यक्ति की पत्नी हूँ ये भावना रहती है। जात तो कृष्ण के लिए हो रहा है, कृष्ण के लिए मतलब मैं पराई हूँ, मैं किसी और की हूँ, ये जार किसी को तो जानते हो कि नहीं, पुरुष के लिए जार क्या शब्द है, जार शब्द जो है लड़की लड़का कोई नहीं, लड़की लड़का में नहीं होता, जार शब्द जो है पुरुष के लिए कहा जाता है, ये अत्यंत घृण्य शब्द कहा जाता है। और गोपियों के लिए क्या करें, परदारु विमर्शनम किम अभिप्राय है, जो कोई पुरुष विवाहित होकर के पर स्त्री के प्रति है जो संबंध आदि रखते हैं उसके जार भाव आ जाते हैं वो पुरुष के लिए क्या है, आज वो अत्यंत घृण्य शब्द का है, आप शब्द बोल रहे तो अर्थ। और स्त्रियों के लिए क्या हो रहा है, परदार हो, तो ये जो है परदार विमर्शन, ये कृष्ण दूसरे स्त्रियों के प्रति गोपियों के प्रति है ऐसे क्यों व्यवहार किया, कृष्ण ने व्यवहार नहीं किया है, तो दूसरे गोपियों के प्रति भाव कैसे रखा है। और यदि को अच्छा तो कृष्ण विवाह नहीं किया तो कृष्ण ब्रह्मचारी है, गोपियां क्या थी है शादी, तो उनके प्रति भाव रखना ये अत्यंत गलत काम है, भावना आ रहे हैं ये अत्यंत रहित कर्म है, रहित कर्म समाज इसके स्वीकार नहीं कर सकते, समाज स्वीकार कर रहे हैं, समाज स्वीकार नहीं करते, उसके समाज को क्या कर देते हैं, स्कार कर देते हैं। अच्छा कृष्ण में क्या लागू हो रहा है, गोपियों में क्या लागू हो रहा है, ना कृष्ण जार हो सकता है ना गोपियां बराधा आदि परदार भी हो सकते हैं, दूसरी की स्त्री नहीं है, वास्तव में ये गोपियां कृष्ण के ही स्वरूप शक्ति के मूर्त प्रकाश विग्रह है, जिसके लिए तो श्रीमद् भागवत में कई श्लोकों के द्वारा कह रहे हैं ये कृष्ण जो राज विहार किया गोपियों के साथ वो गोपियां कौन थी, वो स्वयं कृष्ण ही एक स्वरूप में गोपी के रूप में बने हुए है। उसमें दो उदाहरण यथा अर्भकम, जैसे छोटा बालक एक खूटा खूटा समय के खुटा को पकड़ करके गोल गोल घूमता है और नृत्य करता रहता है, और दूसरी छोटा बच्चा क्या करते अपने छाया के साथ खेलते हैं, तो दोष क्या है, ये गोपियां तो वही है शक्ति शक्तिमान और डर अभेद, शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, भेद है कृष्ण की शक्तिमान, ये कृष्ण की यदि शक्तिमान राधा पूर्ण शक्ति, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण भेद ही नहीं, तो कृष्ण ही गोपी है गोपी ही कृष्ण है, तत्व तो विचार है साधन है, क्या बोला भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण, कृष्ण राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय शक्ति शक्ति मानो मतो दैव अभेद कोई भेद ही नहीं, तो कृष्ण किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, रासक्रीड़ा किसके साथ कर रहे हैं, अपने आप अपने शक्ति के साथ, जैसे दूसरी उदाहरण जैसे आप स्नान करने के समय शरीर में साबुन लगाते हैं, एक हाथ में साबुन ले दूसरे हाथ में साबुन लगा रहे कि दूसरे हाथ में मर्दन कर रहे हैं और इस हाथ पे आप मर्दन कर रहे, इसे दोष क्या है,
दो साइड, एक हाथ दूसरे हाथ से आप सेवा कर। उसी प्रकार कृष्ण ही गोपी है, गोपी ही कृष्ण, तत्व विचार में दिखा जाए है, सत्य सत्य कोई भेद ही नहीं। तत्व विचार में भेद है कहाँ पर बताओ? सत्य सत्य मानो देव है। तो इस विचार से देखा जाए कृष्ण 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 वास्तव में परदारोही मार्शन नहीं है। और परदार भी कहा दिया जाए दूसरी अर्थ हो जाता है, पर माने श्रेष्ठ, दार माने अपने प्रिय, हर समय केवल दार माने पत्नी होता है, दार माने अपने प्रिय होता है व प्रिया होता है, कि साथ है आनंद चिन्मा प्रतिभावित स्तब्ध जो निज रूप तया कला, इस स्वयं कृष्ण ही अपने एकमेव परमात्मा, एकमेव परमात्मा स्वाभाविक अचिंत अचिंत सत्ता, अपने एक ही तत्व है परम तत्व भगवान। और लीला आदि करने के लिए अनेक रूप में प्रकाशित हो रहे, इसे दोष क्या है? तो इसी की जो विचार कर रहे हैं इसमें कोई दोष नहीं लग रहा है, अर्थात गोपी और कृष्ण में कोई दोष नहीं। इसलिए तो पर दार, पर माने क्या बताया, श्रेष्ठ, दार माने प्रिय, प्रिय अपने प्रियजन के साथ आप मिल रहे हैं, जैसे हम अपने माँ के साथ मिल रहे हैं, अपने पिता के साथ मिल रहे हैं, अपने बहन के साथ मिल रहे हैं, दोष लगता है, है? एक व्यक्ति अपने बहन को आलिंगन कर रहे हैं है? और एक क्या बोलते हैं, एक युवक युवती जानते हैं बार उनके साथ प्रेम करके आलिंगन, दोनों में अलग होता है। आप अपने बहन के साथ मिल रहे हो है, आ समझिए उसमें कोई काम बसाना नहीं रहता, हमारे जड़ दृष्टि होने के नाते हम उसको अलग समझते है। काल में बता श्रीमती राधिका भैया भैया करके दौड़ करके है श्रीराम को जो है आले, क्या वो दोष है? राधा जी तो विवाहित विवाहिता है और अपने भाई को आलिंगन कर, जो कामुक व्यक्ति बात जो संबंध नहीं जानते, अरे एक परस्त्री है और दूसरे व्यक्ति के प्रति वो ऐसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं? जो अज्ञ व्यक्ति है, अज्ञ समझते हो, जिसके श्रीराम के साथ राधा के संबंध नहीं जानते हैं, वो उनके भाव मन में दुर्भावना जगेगा, उनके मन विकार हो। हमारे मन की विकार तब होता, मन की विकार कब होता है? जब हम तत्व ज्ञान से शून्य हो जाते हैं तब मन की विकार है। मन की विकार उसी प्रकार होता है, जो श्रीराम कौन है? राधा जी के संग भाई है, है? फिर हम काल को बता रहे जे निकट में जब आ गए राधे विश्वान महाराज दरवाजा के दरवाजा खोले, राधा जी पिताजी पिताजी करके आ गए, तो दोष है क्या? पिता पुत्री के जो मिलन में कितने वो आनंद दिखा है, किंतु जो जानते नहीं है, अरे ये क्या कर, जो संबंध नहीं जानते हैं उसके लिए क्या होता है? विकारशील होता है, उनके हृदय में काम भाव उत्पन्न होता है। आज जो विकार जो संबंध जानते हैं उसके, आप अपने पिताजी के गला पकड़ करके स्नेह करने कि माँ अपने बेटा के गला पकड़ करके स्नेह करते, तो दोष है, किंतु जो तत्व नहीं जानते को अरे है एक युवक लड़का है आपके बेटा मानो 20 साल 25 साल हो गए और आपके गले पकड़ करके जिंदगी करे है, जो देव जान तत्व नहीं जानते बोले देखो ये क्या कर रहे हैं, जो तत्व जानते नहीं ये तो माता माँ और बेटे के साथ पुत्र स्नेह सब स्नेह, उसी प्रकार ये तत्व विचार है। ये कृष्ण गोपी के साथ जो मिलन वास्तव से कोई विकार से नहीं है, ये समस्त के तत्व के भाष्यमाद भागवत में
कई श्लोकों के द्वारा सुखदेव को समझ दिखाए, क्योंकि परीक्षित महाराज ये प्रश्न कर दिया था, ये औरदार अभिमर्शनम की अभिप्राय यद्यपि भगवान कृष्ण जगत में आते हैं किस लिए, मर्यादा को स्थापन करने के लिए, और औरदार अभिमर्शन की अभिप्राय दूसरी स्त्रियों के साथ, ये पराई स्त्री के साथ, बोले वो गोपियाँ पराई नहीं है, तत्व विचार में वो गोपियाँ कोई पराई नहीं है, पराई समझते हो, नॉट अदर, वो कृष्ण की ही तो ही है, और स्वयं कृष्ण एक स्वरूप में ही प्रकटित हुई है, राधिनी शक्ति सर्विनी श्रीमती राधिका, राधिनी शक्ति क्या, स्वयं कृष्ण की तो राधिनी शक्ति है, वो मूर्त रूप में राधा जी के में आ रही, इसी कहते हैं मूर्त अमूर्त है, वो भी मूर्त समझते मैनिफेस्ट समटाइम्स अनमैनिफेस्ट है, अमूर्त रूप में अंदर में रहता है, और जब लीला रचता है वही जो है शक्ति जो है राधा जी के रूप में मूर्त रूप में सामने आ रहा है, और लीला है जैसे दोस्त जो तत्त्व ज्ञानी हो जाता है उसके उसके इसमें कोई चित्त विकार नहीं होता है, और तत्त्व व्यक्ति के लिए विकार हो जाता है, इसलिए न पारहन निर्बद्धम संजुन ससाधु कृत्त विबोधायु सापिव जामा दुर्जन कन्नका, कन्नका जो होता है वो विवाह नहीं हुआ है, सौख्यता तो समझ में आता है विवाहिता, पर क्या वो भी विवाहिता दूसरे की पत्नी के रूप में अवरा रही है, किंतु तथापि कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रखते हैं, ज़्यादातर इस जगत में जब तक मैच्योर्ड हो नहीं हो, इमैच्योर्ड हो तब तो इसके हृदय के विकार नहीं होता, ऐसा समझ जाए, चलो अधिक क्या बोले आप लोग समझ जाओ, हाँ समझ नहीं, चलो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं सर है, किंतु गोपियों की जो क्या दिखा रहे, गोपियों की कृष्ण के प्रति नित्य संबंध होने के नाते, अनादिकाल से कृष्ण के साथ संबंध होने के नाते है, उनके हृदय में कोई प्राकृत जो है भावना नहीं, कृष्ण की सुख कृष्ण की सुख हेतु मान कृष्ण के सुख सुख के लिए वो लोग सब कुछ व्यवहार आदि करते हैं है, ये करना का जो है जिसको हम कह रहे हैं, ये जो जैसे खेलकूद करते करते कृष्ण के साथ क्या किया, माला बदल कर है, इसमें इसको क्या ले लेते हैं, इसे कर्नाटक में आ जाता है, अभी तो विवाह के युग नहीं हुआ है, किंतु इसमें हाँ एक सेकंड अच्छा व्यास, इसलिए कृष्ण में क्या कृष्ण लीला में एक विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं, जिससे हमारे जीव गोस्वामी पास आदि दिखा रहे हैं, ये यही परकत्व भाव के जगत में प्रकट करना है, जो परकत्व भाव के नित्य गोलोक वृंदावन धाम इस जगत में नहीं होता, और इस जगत में वो दुसावह होता है, दुसावह समझो दुसावह मैंने दूषणीय होता है, दूषणीय दोषयुक्त होता है, समाज गृहित होता है, चित्त मन को दूषित करने वाला, किंतु चित्त जगत में वो नहीं होता, इसलिए कहते इस जगत में जो वस्तु जितना भी निकृष्ट होगा चित्त जगत में वो उतना ही क्या होगा, वंदनीय होगा है, और चित्त जगत में जितना ही निकृष्ट हो जाएगा इस जगत में उतना ही वंदनीय हो जाएगा, इस जगत में उस जगत में निकृष्ट क्या है, संतरस संतरस, कोई धीर शांत है बोलते नहीं है, हैं आज संतरस है ना, उस जगत में उसकी कोई मूल्य नहीं है, इसलिए वास्तव रूप में दिखा जाए ब्रज में संतरस है ही नहीं, उसमें तर्क उठाते हैं, ब्रज में वास्तव रूप में संतरस है ही नहीं, और फिर कह रहे हैं संतरस है तब रस अभाव हो जाएगा, किंतु संतरस तब संतरस कहा जाता है जिसमें ममता नहीं रहता, सेवा नहीं रहता, किंतु ब्रज में सुख समाज में विचार करें ब्रज में सभी की सेवा वृत्ति है,
जतकिंचित तिनगुलम किकट मुखम गुष्ठी समस्त सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्र स्फुट निश्चिंत जांच ब्रह्मा देवी सस्प्रेण मध्यंत विंदते। ब्रज में जित क्योंकि बालू जो है सेंट है वहाँ भी संत नहीं, इस जगत में हम बालू के जो है संत करते उसकी सेवा नहीं है, किंतु चित जगत में वहाँ पर बालू भी सेवा करते हैं सेंट, वो सब ममता युक्त है। गोविंद चलते हैं ना, गोविंद के पैर में कहीं खरोच ना आ जाए, वो बिल्कुल रबर बैंड के भांति हो जाए, रबर बैंड सब हो जाए है, बालू नहीं समझते सैंड रेत ऐसे एंडी, सब मधुर रस में सेवा होता है। साधारण विचार है, दो विचार है, एक होता है संत रस में सेवा होता है, किंतु ब्रज में जो बालू जो है सैंड जो है वो सब माधुर्य रस में सेवा, गोविंद की सेवा में सब माधुर्य रस। थोड़ा आपके समझने में कष्ट होगा, इतना सहज नहीं है, आप इतना ही समझ गए हैं। इस श्लोक कर जत किंचित तिनगुलम किकट मुखम गुष्टे समस्त तत् सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय स्फुट जान से ब्रह्मादि सस्पेण मध्य अंत। तो ये शब्द अवस्था है, भावना हमारी उसी प्रकार होनी चाहिए। इसलिए ब्रज में तीन रसों की प्रधानता दिखाई गई, सख वात्सल्य और यही तो हम लोग गोपाल मंत्र में भी तीन रस की कथा है, कृष्ण गोविंद गोपी जन है। मंत्र जप करते करते आप जिस रस को होगा उसमें अपने आप वो रस प्रकाशित होगा है, आज तो यही भावना समय के अनुसार सब, किंतु ऊपर से देख गया बालू जैसे पड़े रहे, किंतु ब्रज में बालू ऐसी नहीं, और जगह में बालू जो है, है और ब्रज की जो एक रेत कना बालू है वो भी कृष्ण सेवा के लिए ममता युक्त हो, कहीं गोविंद के चरण में कहीं थोड़ा क्या बोल खरोच ना है, है तो ये समस्त विचार है। बालू ऐसे जैसे जैसे कृष्ण है ना, जैसे गोपियाँ कृष्ण के साथ मिलने के लिए जब जाती है, मधुर मधुर निशा जितुर्भाव सीतायम है, जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, अभिसारिका नायक के वर्णन कर रहे हैं। दो प्रकार के अभिसारिका होता है, एक होता है शुक्ल पक्षी अभिसारिका होता है, और एक होता है कृष्ण पक्ष होता है, समझ में आया है। जब कृष्ण पक्ष मानो कृष्ण पक्ष के जो अभिसारिका होता है, अभिसारिका जो प्राणकांत के मिलने के लिए जो जा रहे हैं, जब राधा जी अपने प्राणकांत मिलने के लिए जब जा रही है, तो उस समय चंद्र के माने ये शुक्ल पक्ष अभिसारिका हो रही है, शुक्ल पक्ष जैसे है चंद्र की किरण मध्य रात्रि चरण चंद्रमा की किरण जो है चारों तरफ झलमल झलमल कर प्रकाशित हो रहा है, और उसमें जो राधा जी जब चल रहे हैं तो राधा की अंग की जो सौंदर्य मधुरमा जो है तप्त कांचन गुरु चारी दिशा को भी चंद्रमा की सौंदर्य माधुर्य भी पराभूत करने वाले है। चंद्रमा की जो है वो पराभूत करने वाले है। आज तो राधा जब चल रही है अर्थात अपने प्राणकांत के साथ मिलने के लिए जा रही है, ऐसे लगते हैं दूसरी कोई शरण के पिंड मानो है, बस शरण के क्या बोलते हैं डॉल वो चल रही है, और चंद्र के सुंदर जो माधु किरण की भी प्राभूत कर रही है। सभी के लोग की दिशा कहाँ पर होता है, राधा जी के आ जाए चंद्रमा की किरण के प्रति नहीं है। एक चकोर पक्षी सुना जाता है वो चंद्रमा के किरण को जो है भोजन करते हैं, आसादन करते हैं, किंतु राधा जी जब चलती है सैकड़ों चंद्रमा की भी सौंदर्य माधुरी की भी प्रभावित करें, तो एक चंद्रमा की किरण के द्वारा जो स्मृतिता माधुर्यता कमनीयता सौंदर्यता जो प्रकाश कर देते हैं सभी की दृष्टि चल जाए, और राधा जी मानो कितने चंद्रमा की सौंदर्य माधुरी प्रकाशित करें सैकड़ों, तो अभी तो सबकी दृष्टि कहाँ पर जाएगी,
राधा रानी के पास जाएगी तो राधा की बात इसमें क्या बाधा आ जाएगा? लोग देखेंगे भाई ये चंद्रमा मध्य रात्रि में एक तो ऊपर आकाश में चंद्रमा है और भूतल पर 10 चंद्रमा कैसे चल। तो उस समय ये लिख रहे हैं हम रघुनाथ दास, उस समय लिख रहे हैं मधुर मधुर निशांग जदुर उद्भाषताम कोपुर कोरपुर। उस समय सुखिया मंजरी की सेवा होती है कोरपुर भूषा शरीर पर जो है कोपुर लगाते हैं। कोपुर लगाने से दो कारण होता है, एक शरीर के कुकुर लगाने से शरीर की गर्माई कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, शीतलता कर देती है, और दूसरी है और राधा जी की उज्ज्वलता जो है किरण जो है माने इफाजेंस ऑफ हर बॉडी है वो विकसित नहीं हुआ है। और उस दूसरी क्या होता है वो बालू ब्रज के बालू भी कम नहीं है, जैसा आज बोल रहे ना चंद्रमा के किरण पड़ने से बालू चंद्र के किरण बालू में पड़ने से बालू क्या होते हैं सिल्वार की भांति, सिल्वार के क्या बोलते हैं चांदी की भांति झलमल झलमल करता रहता है। तो एक चंद्रमा की किरण यदि बालू की किरण के बालू के ऊपर रिफ्लेक्ट होती झलमल करे राधा जी के अंग की जो किरण जो भाई वो जानी कितने झलमल करे। इसलिए उस समय वो समझ तो बालू क्या हो जाता है साधारण रूप में स्थिर हो जाता है, मानो राधा जी की सभी वंदना करते रहते हैं। इसमें तो बहुत कुछ भावना है बोलने का आपका, इसलिए ये श्लोक बता रहे हैं मधुर मधुर हमारे रघुनाथ दास बस में मधुर मधुर निशांग जदुर भाषितायांग शीत कपूर भूषा है द्वितीय द्वितीय स्कंद नस्ता द्वितीय कंद द्वितीय स्कंद नस्ता द्वितीय माने सखी। दो प्रकार के सखी द्वितीय होता है, एक आप तो द्वितीय होता है एक संघ द्वितीय होता है। इसमें तो बहुत विचार है। और ये सखियाँ क्या करती है जब राधा जी चलती है द्वितीय स्कंद हस्तनिता श्रीमती राधिका जब अपने प्राण गंध गोविंद के साथ मिलने जाते हैं द्वितीय के स्कंद देश पर कांत पर हाथ रखने चले जाते हैं तब उस समय ये समस्त सखियाँ क्या करती है राधा जी की अनेकों जो है कथा सुनाते रहते हैं। द्वितीय के कार्य क्या होता है द्वितीय के कार्य होता है एक तो संदेश वाहक होता है, संदेश वाहक कई प्रकार के होता है, एक पत्र वाहक होता है एक मधु वाहक होता है ये समस्त अनेक प्रकार के वाहक वाहक बने बेरा ब्यारा लेके जाना ब्यारा होता है ना। तो ये द्वितीय के काम कर रहे हैं क्या द्वितीय द्वितीय के काम होता है ये द्वितीय के काम कहते हैं एक दूसरे के गुणावली को बखान करना है कर्ण कर्णिका द्वितीय स्तुति है वो ज्वल साहब में है लेकिन वो श्लोक है कर्ण कर्णिका द्वितीय स्तुति नस्ता। द्वितीय के काम क्या होता है अपने प्राण प्रियतम की स्तुति आदि करना उनकी महिमा बखान करना है। समझ यदि कभी कृष्ण के महिमा को बखान करते हैं और कभी राधा जी के राधा कृष्ण की महिमा बखान करते हैं और कृष्ण के पास राधा जी की महिमा को बखान करते हैं वो चलते चलते ये समस्त होते रहते हैं। इस श्लोक में सब वर्णन है द्वितीय नता हस्ता तो ये द्वितीय के काम होता रहता है जिसमें एक ग्रंथ पढ़ो लो सब भाई पढ़ने के अच्छा ही करना करनी सुखीजन विजन द्वितीय स्तुति प्रक्रिया इसमें द्वितीय स्तुति प्रक्रिया है पतुर्वंच का चातुरी गुणनिका है कुंज प्रयाणी निशी बाधित जो गुरु गुरुवाणी बेनुर कंडिता करने पर ऐश्वर्य तावत कृष्ण गुरुनाम गौरी पठते। उस स्कूल में कौन पढ़ाते हैं ललिता विशाखा राधा जी के उसमें प्रिंसिपल है और पढ़ने वाले कौन है गौरी गण ये समस्त जो सिखाए जो उनके ये समस्त सिखाया जाता है जो किस प्रकार धीर से बात करना है करना करनी कानों से कैसे बात किया जाता है कोई सामने व्यक्ति आपके सुन ना ले करना करनी
सके ना द्वितीय स्तुति प्रक्रिया, ये आप जो द्वितीय स्तुति प्रक्रिया द्वितियों की कैसे काम करना है ये सिखाया जाता है। जैसे जैसे जासू कहते हैं ना, क्या बोलते हैं स्पाई, इसको भी ट्रेनिंग दिया जाता है। हाँ समझ, नहीं तो परदेश उधार बंद जाओगे और आ नहीं पाओगे उस देश में, फंस जाओगे है। तो ये सब भाई ब्रज जाने के पहले सब का आपको तैयार करके सब भेजेगा। अभी कहाँ जाओगे है, अभी तो अभी पहले प्रकट लीला में जाएंगे ना, अभी प्रकट लीला में सबको तैयारी करेंगे, सबको सिखाया जाएगा। ललिता सिखाएगी, विशाखा सिखाएगी, सब सिखाएगी, इसलिए कहते हैं सब सिखाएंगे। यही तो बात है, किसके पास क्या सीखना है सब सिखा देंगे है। पल्लवदासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवि सिराधिका पदे काली मिलाई आज्ञा सेवा सुना। ये आज्ञा सेवा है ना, एकादश प्रकार की सेवा जो है आज्ञा सेवा है। उसमें पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यही ग्रंथ में पढ़ लो सारे, और ढूंढने के आप ढूंढने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, तो ग्रंथ में तुम आपको ढूंढना पड़ेगा, और इसमें हमें ढूंढ करके आप लोग दे दिया है, ढूंढ करके सब दिया, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ढूंढना नहीं पड़ेगा, है तो इसमें इधर उधर भटकने से क्या होता है। गुरुदेव ने सब कुछ दिया, इधर उधर जाते तो कोई बाबा जी संप्रदाय जाते हैं जो एकादशी नहीं करते हैं उसके पास जाते हैं, बोले वाह अच्छा है अस्पताल बोले। अरे हमारे जितने भी है क्या बोले प्राचीन क्या बोले गुरुदेव के शिष्य बोलते हैं, और ये संग छोड़ करके वहीं पे जो क्या बोलते हैं एकादशी नहीं करते, ये कोई थोड़ी बात है। अरे नंद महाराज एकादशी किया, तुम नंद महाराज से कौन सा बड़ाई हो गया, भागवत में है कि नहीं, आप बताओ। जो एकादशी नहीं करते हैं विधि के नहीं मानते जानते हैं और वो बड़ी बड़ी बात बोल दिया तो उसके पीछे पीछे लोग दौड़े। अरे गुरुदेव इतने कठोर परिश्रम करके हैं, सारे खून के पसीना बूंद बूंद करके सारा देश विदेश में प्रचार करके तुम कर लाया, और तुमने क्या करे जो एकादशी नहीं करते हैं और उसके तुम उसके पीछे दौड़ रहे, कितना मूर्ख है, यही दुर्भाग्य है। अब बात ऐसे ही है कि यही हम बोल दिया तो ये क्या बोले किसी का क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम छोड़ दिया तो हमारे ऊपर इतने लोग गाली देना शुरू हो गए। सत्य बोलो तो इसको बोला तो हमने बोला एकादशी नहीं करते हैं कुछ संप्रदाय के लोग, पूछ लिया भाई कौन संप्रदाय को, मैं नाम बोल दिया तो ये इस करके बस लिख दिया और हाँ पैमाल चल है। अरे सत्य बोलन के थे करते नहीं तो करते नहीं, हम बोला उसने दोस्त क्या आप एकादशी नहीं करते हैं, कोई कहते हम एकादशी नहीं करते तो हमें दोस्त उसके दोस्त क्या है ना हमारे दोस्त क्या है, आप बताओ। यहाँ पर कोई व्यक्ति मानो बैठे हुए हैं एकादशी नहीं करते हैं, उसके दोस्त क्या है, हम कहते हैं एक फलाने व्यक्ति एकादशी नहीं करते और वो स्वयं करे हम एकादशी नहीं करते हैं, वो तो स्वयं कर रहे हैं हम एकादशी नहीं करते और हम उसी की कथा को मैंने क्या बोल रहे रिपीट कर रहे हम कर नहीं पा रहे तो सिर्फ बात हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोई एकादशी कर नहीं पा रहे तो ठीक है कोई बीमारी है कर नहीं पा रहे, वो तो संग कर रहे हैं भाई हम बीमारी है हम ठीक से कर नहीं पा रहे, वो तो अपने बोल रहे ना झूठ बोल रहे हो है। कोई व्यक्ति है हम कभी कभी प्याज खा लेते हैं ठीक, हम उतरे कहते भाई प्याज मत खाओ है, तो उसके दोस्त क्या है, वो तो संग कर रहे हैं हम क्या प्याज, वो तो सही बोल रहे हैं, वो तो है अपने